नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 3 स्कूली छात्राओं की मौत से कोहराम मच गया। तीनों छात्राएं आर्या कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक के नीचे 4 छात्राएं आ गई, जिसमें 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 घायल छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए 2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। मामला लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज तड़के का बताया जा रहा है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने का घोषणा करी है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर रहकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब 4 छात्राएं शहर के आर्या कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही थी। हाईवे से जो रास्ता शहर के अंदर आता है, उसी रास्ते पर मोड़ के पास अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके नीचे 3 छात्राएं बुरी तरह से दब गई, जबकि 1 छात्रा का पैर नीचे दब गया। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन छात्राओं को बचा नहीं पाए। आनन फानन में SSP अयोध्या शैलेश पांडे के निर्देश पर पुलिस टीम क्रेन लेकर पहुंची और ट्रक को सीधा कर छात्राओं को बाहर निकाला गया। मामला है सर, यहाँ पे कैसे हुई है? थाना कैंट क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर गाँव मिर्जापुर पड़ता है, इसके पास एक ट्रक पलट जाने से 3 बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है जो स्कूल जा रही थी। 1 बच्ची घायल है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ट्रक जो है पुलिस के कब्जे में है। ट्रक में भी 1 व्यक्ति जो संभवतः ड्राइवर है वो भी घायल है, उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी ट्रक को हटाकर यातायात नॉर्मल किया गया है। घटना अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, वो ट्रक जो है रोड के साइड के डिवाइडर से टकराया है। ये किन परिस्थितियों में टकराया है, क्या हुआ, इसकी अभी डिटेल जांच